फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। और मैं आपके सामने अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं पहले भी दो वीडियो डाल चुकी हूँ, आज मेरी तीसरी वीडियो है। अगर आपको मेरी दो वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मैं ऐसे ही वीडियो डालती रहूंगी, आप सबका प्यार जब तक मिलेगा मुझे। मैं पहली बार वीडियो डाल रही हूँ तो थोड़ा हिचकिचाट तो होती ही है। यहाँ से उठा रही हूँ मैं पायदान, क्योंकि थोड़े हो जाते हैं गिले, बच्चे मुंह धोते हैं। तो अब मैं दिखाऊंगी अपने घर की डेली रूटीन। और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, दोनों कमरों में मैंने लगा दी है, और हॉल में लगा रही हूँ। हॉल हमारा काफी बड़ा है, आप सब देख रहे होंगे कि मैं खड़े होकर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे रहता घुटनों में दर्द, इसलिए मैं ऐसे झाड़ू लगा रही हूँ। लेकिन बैठ के झाड़ू ज्यादा अच्छी लगती है, पहले मैं बैठ के ही लगाती थी। इस डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि बैठ के झाड़ू नहीं लगानी है और ज्यादा देर तक बैठे भी नहीं रहना है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत इधर उधर से काम करती रहती हूँ, उठ के थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। एक प्रॉपर खड़े होके तो मेरे से भी काम नहीं होता। किचन का भी मैं बहुत कम काम करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर ही देती हूँ। जैसे कि चाय बनाना, खड़ी खड़ी सब्जी बना देती हूँ। ज्यादा देर खड़े होने से डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगा दूं तो मेरे घुटने चलते रहे। तीनों कमरों में मैंने झाड़ू लगा दिया है। ये हमारा बालकनी वाला कमरा है, ये कमरा हमारा साफ ही रहता है, इसमें बहुत कम आते हैं हम। सिर्फ ड्रेसिंग के सामने ही आना होता तभी आते हैं, इसमें बैठते भी बहुत कम है, ज्यादातर हम हॉल में ही रहते हैं। चारों कमरों में मैंने झाड़ू लगा दिया, तीन रूम है और एक हॉल है। इसमें बहुत टाइम लगता है झाड़ू लगाने में, कम से कम आधा पौन घंटा लगता है झाड़ू लगाने में। और मेरे कमरे हो गए क्लीन। सफाई थोड़ी देर में लगा देंगे बच्चे पोचा, और मैं साथ के साथ कर दूंगी जीने में भी सफाई। जीने में भी हम अपने अपनी सीढ़ी साफ करते हैं, नीचे अपने जीने की सफाई खुद कर लेते हैं, हम अपने जीने की खुद कर लेते हैं। दो चार सीढ़ियां होती है वो हम साथ के साथ साफ कर देते हैं, और बच्चे साथ ही पोचा लगा देते हैं। और मैंने उठा दिया पायदान, यहाँ से इसके ऊपर रख दूंगी पायदान, फिर जीने में लगाऊंगी झाड़ू। मैं चप्पल उठा के उस पर रख रही हूँ, चप्पल के रैक पे। झाड़ू लगा रही मैं, दो चार पैड़ियां हैं हमारी, इसमें ही झाड़ू लगाऊंगी मैं। और हमारी हम डस्टबिन रखते हैं, दोनों डस्टबिन हमारे बाहर है, एक किचन का है और एक बाहर का डस्टबिन है। बाहर के बाहर ही हम झाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा करके इसी में डाल देते हैं। और मेरा जीना हो गया क्लीन।
दूंगी, बाहर के बाहर झाड़ू, हम झाड़ू बाहर ही रखते हैं और हम अंदर झाड़ू नहीं रखते हैं क्योंकि झाड़ू अंदर अच्छे नहीं लगती। और मैं उठा के रख दूंगी यहाँ पे पायदान बाहर बालकनी में। पायदान हम बाहर रोज सुखाते हैं, और सुखाते इसलिए क्योंकि थोड़ा गीला हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता, गीले पायदान में स्मेल आती है, इसलिए मैं बाहर रख देती हूँ पायदान को उठा के। धूप लग जाती है फिर हम उठा के पोछा लगने के बाद अंदर रख देते हैं। यहाँ पे सुखाती हूँ मैं अपने पायदान रोज क्योंकि यहाँ आती है धूप सुबह, सबसे पहले धूप यहाँ पे ही आती है। हम लगाते हैं सुबह सुबह जल्दी झाड़ू तो हम कर देते हैं, सुखा देते हैं पायदान यहाँ पे। अब आके मैं अपने हाथ धो लूंगी साबुन से, और मैं बाथरूम से ले रही हूँ साबुन क्योंकि हैंड वॉश बच्चों ने पहले बाथरूम में रख रखा है, इसलिए मैं साबुन से हाथ धो लूंगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक अच्छा सा कमेंट मुझे जरूर करना। आपके कमेंट से मेरा हौसला बढ़ेगा और मेरा आगे मन करेगा कि मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। डालूंगी दूसरी वीडियो, और तब तक के लिए बाय।